फाइनली इंडस गेम का ट्रेलर आ गया है और उसी के साथ गेम का क्लोज बीटा भी स्टार्ट हो गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्लोज बीटा का एक्सेस ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इंडस गेम का एक्सेस ले सकते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल के लिए भी। तो चलो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले तो ट्रेलर देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी ट्रेलर प्ले करते हैं और फिर उसके बाद अपन ट्रेलर को थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या क्या चीज मेरे को सच में पसंद आई है और आपको क्या चीज आई है, तो कमेंट करके मुझे बता देना। तो चलो चलो भाई, शुरू कर देते हैं ट्रेलर को। यार ग्राफिक्स तो सही में अच्छे लग रहे हैं ट्रेलर के अंदर, तो देखते भाई और भी आगे। ओके, तो गुफा लोकेशन है गाइस, ये जो कि देख सकते हैं क्या ही खतरनाक अंडरग्राउंड बनाई है। कॉस्मियम स्पॉटिंग, ओके कॉस्मियम आ चुका है। तीन पूरे स्पॉट बचे हैं, कुछ सोचना पड़ेगा। कॉस्मियम टच करें, तूने बोला था ना कि कॉस्मियम लो तो इंस्टेंट विन। कॉस्मियम लिया तो भाई इंस्टेंटली विन हो जाएगा। अभी भी 30 स्क्वाड बचे हैं ट्रेलर के अंदर। गैलेक्सी में सिर्फ एक ही सच है, कॉस्मियम। जिसके हाथ में कॉस्मियम, उसके हाथ में पूरी गैलेक्सी। अरसों पहले एक एडवांस सिविलाइजेशन ने कॉस्मियम कंट्रोल हासिल किया था। अब सदियों बाद एक बैक स्टोरी लगी है गाइस, जो कि हमें बता रहा है। और अगर कॉस्मियम है तो कवन भी पास ही होगा। यही समय है, कोवेन एक मे बी विलन हो सकता है भाई गेम की स्टोरी का। क्या बनेंगे, क्योंकि कॉस्मियम चेंजेस एवरीथिंग। तो यार ये एक्सरे वाला सीन ना एक नंबर लगा भाई, यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। मोरनी कैरेक्टर एक नंबर दिखाई गई है यहाँ पे। ओ भाई ये बाइक वाला सीन देखो यार, एकदम रियल मूवी टाइप लग रहा है ना। चल भाई निकल ले। ओ यार ये नया वेपन लग रहा है मेरे को, अभी तक तो नहीं दिखा गेम में। ये रहा कॉस्मियम। अरे यार बाइक की स्किन भी नहीं लग रही है लगता। पुराने तरीके से नए गेम्स नहीं जीते जा रहे। मोरनी ने यहाँ पर क्लच कर दिया और भाई गेम को विन कर लिया। कॉस्मियम चेंजेस एवरीथिंग भाई साहब, ये कुछ अलग लग रहा है। और क्लोज बीटा लाइव नाउ। ओके तो चलो भाई, फाइनली हमने ट्रेलर तो देख लिया, एक नंबर लगा। ग्राफिक्स वापिस भी ट्रेलर में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अब ना गाइस, इसके थोड़े बहुत मुझे जो पॉइंट अच्छे लगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ना इन्होंने ये कॉस्मियम वाला जो कंसेप्ट है ना, एक नंबर एक कुछ हटके लाया है, क्योंकि हर बार वही लास्ट वाला बंदा ही मैच को विन करता है। लेकिन यहाँ पर लास्ट वाला बंदा विन नहीं करेगा, जो कॉस्मियम को इंस्टेंटली लेगा वही भाई विन कर लेगा। तो ये बढ़िया लगा भाई अपने को भी, क्योंकि कुछ हटके है। अगर एक स्क्वाड का एक ही बंदा बचता है और भाई वो भाई डर के कहीं पे छुप गया है और उसी के सामने कॉस्मियम आ जाता है बोले तो, और फिर वो कलेक्ट कर लेता तो भाई विनर हो जाएगा मैच का। तो ये बढ़िया लगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमको एक बाइक का स्किन बोल सकते हैं या फिर नई बाइक बोल सकते हैं, ये देखने को मिली है। ग्राफिक्स वाइज अच्छा लगा। फिर गन का स्किन भी आपने थोड़ा बहुत यहाँ पर डिटेलिंग देखी होगी।
तो ये तो बढ़िया है। और गुफा लोकेशन, क्या ही भाई लोकेशन बनाया है, ये हॉट ड्रॉप भी हो सकता है क्योंकि ये अंडरग्राउंड वाला लोकेशन दिख रहा है यहाँ पर, जैसे दिखाया गया है तो बढ़िया लग रहा है। वैसे वहां पर ज्यादा से ज्यादा फाइट होने वाली लग तो रहा है मुझे, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता देना। ट्रेलर के अंदर के कॉस्मियम एंड गुफा लोकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हरा हुआ मैच जिता सकता है कॉस्मियम क्लच। कितने सारे नए टैक्टिक्स का स्कोप है, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। यहाँ लास्ट मैन स्टैंडिंग नहीं, जो कि कॉस्मियम कलेक्ट करेगा वही जीतेगा। गुफा के अंदर सब कुछ हो सकता है, लाइक हॉट ड्रॉप लोकेशन, मल्टीपल लेवल्स, ग्रेट प्लेस टू टेक अ फाइट। तो यहाँ पर भाई पूरा एकदम धींगाना मचने वाला है, बोले तो राड़ा होने वाला है ये लोकेशन पे। टैक्टिकल गेम प्ले की बात करें तो ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कि इंडस सिर्फ गन फाइट्स ही नहीं बल्कि टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी पर भी ज्यादा फोकस करता है। मोर्नी के टैक्टिक्स जैसे कि स्मोक यूज और बाइक को कवर के रूप में इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें गेम प्ले को और भी इमर्सिव बनाती है। इसके अलावा ट्रेलर में गन की मूवमेंट और वी फ्यूरी गन एनिमेशन जैसे लेवल ऑफ डिटेलिंग भी एकदम दिखाया गया है कि किस तरह से किया गया है। कंटेंट टाइप की बात करें तो इंडस में हमें एक अलग लेवल का कंटेंट मिलता है। यहाँ पर कैरेक्टर की बैक स्टोरी से लेकर कॉस्मियम और इंडस की हिस्ट्री तक हर चीज डेप्थ में एक्सप्लोर की जाती है। यह हमें दूसरे बैटल रॉयल गेम्स में नहीं मिलता और इससे गेम का एक्सपीरियंस और भी इंगेजिंग बनता है। और जो ट्रेलर हमने देखा उसमें ना गाइस जो कॉस्मियम क्लच होता है, उसके बाद ना ऐसा मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट ट्रेलर शायद हिना का रिवेंज का हो सकता है क्योंकि हिना के ने मोरनी कॉस्मियम क्लच कर जाती है। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ जो कि है बीटा एक्सेस। इंडस ने अनाउंस किया है कि कीज फॉर बीटा एक्सेस, बोले तो ये कुछ तो भी कीज देने वाले हैं जो आपको इंडस के क्लोज बीटा खेलने का मौका देती है। ये कीज ना सिर्फ गेम एक्सेस देती है बल्कि कुछ स्पेशल रिवार्ड्स भी आपको देने वाले हैं। तो क्या रिवार्ड्स होने वाले वो भी आगे बात कर लेते हैं। प्रोसीजर की बात करें गाइस तो यहां पर जो की है आपको एक पासवर्ड की तरह काम करेगा इंडस बीटा एक्सेस करने के लिए। तो इंडस ने ना एक वेबसाइट नई लॉन्च की है जहां पर जाकर आपको इन कीज को बीटा का एक्सेस आपको मिलने वाला है, लेकिन वहां पर जाकर ना आपको गूगल से साइन इन करना पड़ेगा और ज्वाइन वेटलिस्ट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपनी डिटेल भरना है आपको जो भी है क्लोज बीटा के रिलेटेड और फिर वेटिंग लिस्ट आप ज्वाइन कर लोगे आराम से। लेकिन यहां पर ना अगर इंडस की आपको मिल गई ना तो भाई बीटा एक्सेस आपको 100% गारंटीड मिलने वाला है। ये सीधा वेटिंग लिस्ट स्किप हो जाएगी और फिर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा वहां पर, फिर आप आराम से बीटा वर्जन इंस्टॉल करके अपने डिवाइस पे खेल पाओगे। अब आते हैं हम हमारे इन गेम रिवार्ड्स के ऊपर। तो यहाँ पर ना जब गेम आएगा तो आपको इन गेम फ्रेम मिलेगा जिससे सबको पता रहेगा कि आप वो कुछ लोग का पार्ट था कि जिनको ये बीटा एक्सेस मिलता था। जब तक गेम रहेगा ये फ्रेम आपके पास रहेगा। आज से एक दो साल बाद आपको लोग इन गेम देखकर फ्रेम देख के बोलेंगे कि भाई ये तो वो बंदा है जिसने बीटा एक्सेस खेला था, या उसको ये सेपरेट रिवार्ड मिले हैं। और ये जो रिवार्ड है ना ये सेल पे नहीं जाने वाले हैं फ्यूचर में, तो ये एक्सक्लूसिव रिवार्ड होने वाले हैं। लाइक और भी यहाँ पर बात करें तो कॉस्मिक किट एंड इपिक क्रेट्स आपको खाली बीटा यूजर्स के लिए मिलने वाला है, तो भाई जरूर से लॉग इन करना, क्या पता फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। ये सभी चीजें आपको मिलने वाली है परमानेंटली। और फिर उसके बाद बीटा फेस के जो टॉप परफॉर्मेंस हो गए उनके लिए ना अभी बड़ा प्राइज है, एक कॉस्मिक कैरेक्टर एक्सक्लूसिव मिलने वाला है। ये कैरेक्टर सिर्फ टॉप बीटा प्लेयर्स के लिए रिजर्व है जो शायद गेम के रिलीज के बाद भी कभी भी सेल में नहीं जाने वाला है, समझ रहे हो। तो ये चीजें भाई यूनिक है, एकदम खतरनाक आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थे कुछ खास बातें इंडस लेटेस्ट ट्रेलर और बीटा एक्सेस के बारे में। अगर आप भी एक्साइटेड है इंडस के लिए और बीटा टेस्टर बनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।